अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला, जिसके इंग्रेडिएंट ये सारे हैं। मैं सबको सबके नाम और उसकी क्वांटिटी आपको बताने जा रही हूँ। ये धनिया है, अखा धनिया, ये तेज़पत्ता, ये शाह ज़ीरा, ये नॉर्मल ज़ीरा, और इसकी जगह पे अपन सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं, पर जो है मैं अवेलेबल उसके साथ बना रही हूँ। और ये छोटी इलायची, और ये जायफल के टुकड़े हैं, और ये बड़ी इलायची, ये जावित्री, दालचीनी, काली मिरी और लौंग, और ये चक्री फूल। अभी इसकी क्वांटिटी बताने जा रही हूँ। इन सबको अपने को अलग अलग करके भून लेना है। तो इसको ना, इसकी क्वांटिटी ये है कि ये 8 से 10 है, बड़े बड़े, पर ये टुकड़े हैं तो ये आप देख सकते हैं। और फिर लौंग है 2 चम्मच, 2 टीस्पून, ये भी 2 चम्मच है, और ये 8 से 9 टुकड़े, ये भी 8 से 9 फूल है। और ज़ीरा भी 2.5 चम्मच है, 2.5-3 चम्मच, दोनों भी ज़ीरा। और तेज़पत्ता 6 से 7 है, बड़े बड़े। और अखा धनिया 3 बड़ा चम्मच है, और इलायची 10 से 12 है, और ये जायफल के टुकड़े जितने आपको दिख रहे हैं, और बड़ी इलायची 6-7 है, और ये जावित्री का फूल 3 है। ये हमने गैस ऑन कर दिया है, और एक पैन रखे हैं गर्म होने। हल्का सा जैसे गर्म होगा तो इसमें दोनों ज़ीरों को हम भून लेंगे। ये पैन गर्म होने के बाद, जैसे ही पैन गर्म हो जाता है, हमको इसकी आँच से पता चलेगा ये गर्म हो गया है। फ्लेम को स्लो कर देंगे, और फिर इसमें दोनों ज़ीरों को डालकर अच्छी तरीके से भून लेंगे। जितना अच्छा भुना होगा मसाला, ये मतलब खड़ा मसाला, उसी तरीके से ये स्टोर ज़्यादा दिन तक हो पाएगा। ये ज़ीरा भुनना शुरू हो गया है, तड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। जितना अच्छा भुनेगा उतनी अच्छी तरीके से पीसेगा। ये ज़ीरे का रंग बदल चुका है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, इसका मतलब ये भून चुका है। इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे, इस तरीके से हाथ कर दें। ये पैन फिर से गैस पर रखकर, अब इसमें हम खड़ा धनिया, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची डालेंगे इसमें। जायफल अभी नहीं डालना है, जायफल को बाद में करना है। है धनिया, लौंग, काली मिरी और छोटी इलायची, इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें जावित्री भी इसी समय पर ऐड करनी है, ताकि वो भी अच्छी तरीके से भून जाए। जब हाथ में मेहंदी लगी होती है तो ये लौंग जब भुना जाता है तो तवे पे डालकर अगर उसका सेका ले लें हाथ पे, मेहंदी लगे हुए हाथ पे, तो रंग बड़ा प्यारा आता है। ब्यूटी टिप्स मैं मेरी फ्रेंड के साथ ब्यूटी टिप्स शेयर कर रही हूँ। धनिया का रंग बदल चुका है, तड़कने लगा है धनिया। अब हम उतार लेंगे इसे एक प्लेट में, मैं खाली करके उधर डाल दे रही हूँ। इसके साथ साइड में धुआं रहा है, हाथ संभाल के। फ्लेम स्लो पे ही रहने देंगे, फ्लेम को फास्ट की ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें अभी चक्री फूल, बड़ी इलायची, जायफल और ये क्या बोलते हैं, दालचीनी, ये डालकर इसे लास्ट इसे भून देंगे। इसको भून जाने के बाद हमारा तेज पत्ता बचता है, लास्ट में उसे करना है। ये हमने अलग से इसलिए भूनने रखा है क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसको भूनने में थोड़ा वक्त लगेगा, और साथ में भूनते थे तो वो सारी चीज़ें छोटी छोटी जल जाती थी, जो कि हमें इसी तरीके से चाहिए थी। इससे ज़्यादा भूनेंगे तो फिर वो जल जाएगा, इसलिए हम उसको अलग और उसको अलग भून रहे हैं। पर मैं इसी के साथ तेज़पत्ता साइड में डाल देती हूँ, भून जाएगा तो निकाल दूँगी, क्योंकि गैस हमारा ज़ाया ना हो बार बार यूज़ ना। दोनों एक साथ भून रहे हैं, जब तक ये भुनेगा तब तक मैं मिक्सर निकाल लेती हूँ। ये हो गई बड़ी इलायची, और ये भुन रहा है, देखो पत्ते का रंग बदलने लगा है, दिख रहा है आप सबको? इसलिए मैंने इसको साथ में डाल दिया क्योंकि बार बार मुझे गैस का यूज़ नहीं करना पड़े।
पत्ता एकदम वो हो गया है, पत्ता नहीं सॉरी क्या है ये, तीस पत्ता है। तो दोनों चीज का काम एक साथ हो गया, तो मैं भी तेज पत्ते को निकाल लूंगी क्योंकि वो अच्छे से हो चुका है, भुन चुका है। हाथ से ना निकालें, मुझे हैबिट है, बाकी अच्छी हैबिट नहीं है, इसलिए मैं इसकी मदद से ये सारे तेज पत्ते निकालती हूँ। अब जो बाकी की चीज़ें हैं उसको थोड़ा और भुनने दें क्योंकि उसमें की खुशबू मुझे। जितने मसाले हमारे भुनकर हो गए वो ये हैं, सबकी क्वांटिटी मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। भुन चुका है, अभी मैं इसे भी निकाल लूँगी। सब कुछ भुन चुका है, खुशबू अच्छी आ रही है सबकी। मैंने यहाँ पे खाली कर लिया भुनी हुई चीज़ों को, फ्लेम ऑफ कर दिया। मिक्सर की जो जार है उसको एकदम सूखा पोंछ लें, अगर गीली है तो धोई हुई है तो, क्योंकि उसमें उसकी वो ना लगे फफूंद और कुछ ख़राब ना हो, इसलिए गीला नहीं रखना है बर्तन को। अभी मैं इसमें डाल दूँगी सारी चीज़ों को। इसको पीसने के बाद हमें छानना ही है ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके करो। देखो ये कितना वो हो गया है कि हाथ से चूरा चूरा हो रहा है, इसका मतलब ये पीस भी जाएगा। अगर आपको ये, मैं बहुत कम कम बनाती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गरम मसाला हमारे घर में यूज़ नहीं होता है, मैं कम बनाती हूँ इसलिए पूरा का पूरा एक साथ आ गया है, एक ही बार पीस कर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अभी भी पूरी तरीके से पिसा नहीं, इसको छान के फिर से पीस सकते हैं, उसमें से छोटी इलायची की पूरे वो जो रेशे है वो अलग कर सकते हैं, पर मैं एक दो बार और पीस। सब चीज़ें एकदम से पीस चुकी है, मैं इसको एक बार छान लूँ। ये मसाला हमारा रेडी है, दो तीन बार मैंने पीस लिया है, छान छान के दो तीन बार मैंने पीस लिया है। छानता हुआ वीडियो नहीं आ पाया, मेरे घर में और भी काम होते नहीं निकल पाया वो वीडियो। तो ये हमारा गरम मसाला रेडी है, आप देख सकते हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी परफेक्ट लग रहा है। ये मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई बॉटल खाली नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये न्यूट्रेला के खाली बॉटल में मैंने ये पूरे गरम मसाले को डाला है। इसको मैंने छाना नहीं है क्योंकि मैंने बिरयानी के लिए बनाया खास करके, तो ये बिरयानी में अच्छा ही लगता है, और मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है जैसे कि आपने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।